नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और इस समय देखिए शाम के 5:50 हो रहे हैं और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के राजा तालाब के गंजारी में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो गंजारी में जो है वो अपने पूर्वांचल का देखा जाए तो पहला स्टेडियम बनने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। आज मैं उसी का मैं अपडेट देने वाला हूँ और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपको बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे ये है रिंग रोड फेज टू, यानी कि इस साइड से आप चले जाएंगे हरंगवा के लिए। और वही बात किया जाए, यह जो रास्ता है यह चला जाएगा NH 90 हाईवे में जाकर मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये देख रहे हैं, ये जितने भी आप खाली ज़मीन देख रहे हैं यहीं पर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। ये देख रहे हैं पूरा उस साइड से लेके पूरा कोई भी फसल नहीं बोया गया है, पूरा देख रहे हैं पूरी तरह से ये पूरा खाली है मैदान। और आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा 121 करोड़ रुपये देकर जो ज़मीन को किसानों द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा आपको नीचे से सीन दिखाते हैं। चलिए देखिए, इस रास्ते में भी कई सारे आपके पेड़ थे तो उस पेड़ को भी काट लिया गया है। सामने देखिए एक मकान था, ठीक है, उस मकान को भी यानी कि जिन्होंने ये बनवाया है, जिन किसान भाइयों ने बनाया है ये, उसे भी अपने हिसाब से ये लोग तोड़कर जो इसमें जो ईंट है लगा हुआ इसे ये लोग निकाल रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यह जो स्टेडियम का जो मॉडल है ये देखा जाए तो गुजरात के जो अहमदाबाद में बना हुआ मोटेरा जो स्टेडियम है ये उसी प्रकार का बनाया जाएगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि यह स्टेडियम देखिए एक ऐसे जगह पर है कि यानी कि इस साइड से देखिए नेशनल हाईवे मात्र देखा जाए तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और वही बात किया जाए, यह जो रास्ता है ऐसे जाकर इस साइड आपका चला जाएगा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका हवाई अड्डा है वहाँ के लिए चला जाएगा, यानी बाबतपुर के लिए भी चला जाएगा। और आगे ही जाने के बाद यह जो रास्ता है अकेलवा होते हुए जो कि बनारस शहर के लिए भी चला जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैं बात कर रहा था, ये देख रहे हैं ना, ये तोड़कर पिलर में से ईंट को निकाला गया है, ये देखिए इस साइड। ये देख रहे हैं, हालांकि फिलहाल अभी कोई कार नहीं चल रहा है तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक अपडेट दे दिया जाए। और दोस्तों आपको बता दें कि सबसे खास बात ये है कि देखिए 24 मार्च को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने काशी में आ रहे हैं। हो सकता है कि इसका भी आधारशिला यानी कि इस स्टेडियम का रखे, यानी कि इसका शिलान्यास हो सकता है कि 24 मार्च को हो, ठीक है। ये देखिए फिलहाल देखिए इस साइड तो गेहूं का फसल बोया गया है और इस साइड जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे जो कि इस एरिया में एक भी फसल जो है वो नहीं बोया गया है। और सामने है आपका रिंग रोड। ये देखिए सामने ये जो देख रहे हैं ना ये पेड़, इस पेड़ को भी काटा जाएगा। और वहाँ पर भी देखिए एक बगीचा टाइप का पूरा एरिया था, वहाँ पर जो इस समय मात्र एक या दो पेड़ नज़र आ रहे हैं उसे भी धीरे धीरे पूरा काट लिया गया है, मात्र एक दो पेड़ ही बचा हुआ है। दोस्तों जो आप सामने वाला जो रोड देख रहे हैं ये सीधे चला जाएगा आपका गंगापुर गांव के लिए, ठीक है। तो यानी जो स्टेडियम जो बन रहा है, ये जो रोड देख रहे हैं ना, ये रोड के किनारे से इस साइड से बन रहा है और आगे जाने के बाद वो जो सफ़ेद वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं उस साइड से, यानी कि उससे पहले एक रास्ता है उस रास्ते से यानी कि पूरा बनते हुए, ये देखिए जो सामने जो मकान देख रहे हैं ना ये भी शायद ये स्टेडियम में ही चला जाए। और ये जितने भी आप देख रहे हैं ये एक बांस का पेड़ है ये भी चला जाएगा। और जैसा कि मैं बता रहा था सामने देखिए एक बगीचा टाइप का है, आम का पेड़ है, वह भी चला जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।